नमस्कार। आज मैं काढ़ा बनाऊंगी, तो चलिए पहले बनाने शुरू करती हूँ, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ कि क्या क्या डालना है काढ़ा में। यहाँ पे 2 गिलास पानी रख ली हूँ, तो मैं इसी नाप से रखी हूँ 2 लोगों के लिए। तो इसमें सबसे पहले 2 भेली गुड़ डालूंगी, ये देखिए इतना छोटा छोटा, तो 2 इसमें डाल दूंगी। इसी के साथ साथ मैं ये 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन, 4 लौंग, दालचीनी, तो इसको तोड़ के डालना है, ये देखिए तोड़ दी हूँ, उसमें डाल देना है, 1 तेज पत्ता, किशमिश 4 से 5, 1 इलायची, तो इलायची को घोल के डालना है, 6 काली मिर्च, तो इसको थोड़ा क्रश कर लेना है, ये देखिए इसको क्रश कर ली हूँ, इसको इसमें डाल देना है। और यहाँ पे 8-9 पत्ती तुलसी है, इसको धो ली हूँ, और इसको ऐसे हथेली में लेके पहले इसको खूब बारीक कर लेंगे, ये देखिए बारीक हो गया, अब इसको भी इसमें डाल देंगे। 1 इंच टुकड़ा अदरक में कद्दूकस कर ली हूँ, इसको भी इसमें डाल दूंगी, और इसको 1/2 घंटे तक इसको उबालेंगे। इसको 1/2 घंटे तक, मैं आपको बताई हूँ कि 1/2 घंटे तक इसको बॉईल करना है, लेकिन जैसे मैं 2 गिलास इसमें पानी डाली हूँ, तो उसमें से 1.5 गिलास ही बचना चाहिए, 1/2 गिलास इसमें जलना है, इसको जल जाना है, तो इसीलिए ये 1/2 घंटे तक इसको तेज आंच में उबालना है। ये देखिए 1/2 घंटा हो गया इसको बॉईल होते हुए, अब मैं गैस बंद कर दूंगी, थोड़ा इसको हल्का सा ठंडा होने देते हैं। ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, अब इसको मैं छान लेती हूँ। ये जो मसाला इसका बचा है, इसको फेंकिए ना आप, इसका मसाला चाय बना के आप पी सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए काढ़ा बनके तैयार हो गया है, और मैं इसी कप से 2 कप पानी रखी थी, और ये देख ही रहे हैं आप 1.5 कप हो गया है, 1/2 कप जल चुका है, तो इसको आप पीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपना कमेंट हमें जरूर दें। धन्यवाद।